नमस्कार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल। मेरे साथ हैं सुमित जी, उनके फादर इन लॉ, उनकी वाइफ और उनकी प्यारी सी बेटी। दोस्तों, इस समय हम लंच ब्रेक के लिए रुके हुए हैं एक ढाबे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत खेतों के किनारे बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आएगा कोटद्वार, फिर सतपुली, और सतपुली के बाद हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे ज्वालपा देवी मंदिर में। ज्वालपा देवी मंदिर बना हुआ है एक स्वच्छ, निर्मल और कल कल करती हुई नवालिका नदी के किनारे। इस समय हम घर के अंदर हैं और पहाड़ी शादी किस संजीदगी और सादगी के साथ होती है, इसका अनुभव मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। पहाड़ी शादियों की रस्म और रिवाजों को मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। यह हर रस्म और रिवाजों को बहुत ही संजीदगी से निभाया जा रहा है। और ये हैं हमारे दूल्हा राजा। दोस्तों, यहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक कुल मंदिर जाना भी अनिवार्य होता है। तो अभी हम चल रहे हैं गगवाड़ा विलेज, जो यहाँ से है 16 किलोमीटर दूर, और वहाँ हम दर्शन करेंगे शिव मंदिर के। थोड़ी से हम आ गए हैं गगवाड़ा। यहाँ पर शादी की रीत के हिसाब से जो कुल मंदिर है वहाँ आना होता है। तो इनका कुल मंदिर जो है, ये शिवजी का मंदिर है जो कि है गगवाड़ा में, और यहाँ दर्शन करने हम अब आए हैं। तो आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। अब बताइए इसके बारे में। मान्यता है
जब हम छोटे थे यहाँ पे जो जैसे गायों के पैरों पे कीले पड़ जाते थे ना जो, हाँ जी हाँ जी, तो उसको जो है इसका पानी ले जाते थे। अच्छा, वहाँ से पानी नीचे झरने का पानी आता है, उसके ऊपर से डालना हो। अच्छा, फिर वो पानी एक एक फिर जाना अब उन गायों के या जो भी है उनके अंदर। अच्छा, वो पानी से धोना। अच्छा, कीड़े हट जाने थी मान्यता थी। अच्छा अच्छा, है? और वो किया हम करते थे। तो गाइस, इस मंदिर से बहुत सी मान्यताएं और श्रद्धा जुड़ी हुई है। हाँ जी, यहाँ जैसे कुछ लोग मनौती मांगते हैं ना, जी हाँ जी हाँ, जिसकी पूरी हो जाती है तो घंटियां चढ़ा। अरे वाह, अच्छा 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 अच्छा, मनौती पूरी होने के बाद। हाँ, अच्छा अच्छा, जैसे आए पाठ पूजा करवाया, मनौती मांगी, भगवान मेरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हो गया तो सब। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरण युगम पूरी कुरु माम अज्ञमनाथम दूरी कुरु मे दुरितम भो सांब सदा शिव शंभो। तो गाइस, यहां से पूरे गगवाड़ा के आप दर्शन कर सकते हैं। यह है गगवाड़ा का मंदिर, इसका महादेव का यह स्थान है। गांव हम पहुंच चुके हैं और गांव आकर ये जो चीज़ सामने दिख रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पराली है और पराली को यहां जलाया नहीं जाता जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण फैलाया जाता है इसको जलाकर, लेकिन यहां पर इसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि बुरे वक्त में अपने पशुओं को इसे खिला सके। तो कितना ही बेहतरीन तरीका है ये। ये नींबू का पेड़ है ना? हाँ, लगे हैं नींबू का पेड़। आपका गांव बहुत सुंदर है, जहाँ आप रहते हो ये जगह बहुत सुंदर है। शिवालय है, शिवालय। हाँ, आपको भी अच्छी लगती है जगह? पाठ खेलते थे, क्या बोलते हैं, परशुराम का। इससे भी बड़ा देख रहे थे मैंने तो, इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा देख रहे थे मैंने तो। सोना चलो अंदर, अंदर चलो सोना। वेरी लवली वेदर, मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा और सामने का जबरदस्त नजारा।
And it's a great occasion that we have Mr. Rajan Uppal especially for this occasion right now and right from Delhi. And we thanks to Mr. Advocate sir for this special particular occasion. ये जो है हमारे जो शादी हो रही है दूल्हे हैं उनके ये बड़े भाई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी को मैं आमंत्रण देता हूँ कि अवश्य अगर आप इस शादी में एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको देखिए और एक पौड़ी जरूर आए। अगर आपको सही में एक नेचुरल चीज देखना है तो पौड़ी जरूर आए। पौड़ी एक बार है पौड़ी गढ़वाल। बिल्कुल 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 अवश्य आइएगा। और इसका जो ये चैनल ब्लॉग चैनल है उपल साहब का इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल बेल आइकन दबाइएगा जो आपके नीचे अवश्य देखिए। हमारी अप्रिसिएशन कर दिया तो सब हो जाएगा। नहीं 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 बिल्कुल ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्योंकि ये एक गांव की शादी है तो इसलिए मोटरेबल रोड यहीं तक है तो हमने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी हैं यहाँ। और अब
यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना होगा, गांव है वो वहां पर। तो ये सारा रास्ता जो हमें पैदल अब तय करना है दुल्हन के घर पहुंचने के लिए। दोस्तों ये जो गांव है ये दूल्हे के घर से यानी कि पौड़ी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और इसका नाम थोड़ा सा मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपका इसका नाम लिख दूंगा। तो हम चल रहे हैं एक गांव में एक शादी को अटेंड करने इन सीढ़ियों से। बहुत दूर ये नीचे नदी कल कल करती हुई बह रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रही है। लाजवाब खूबसूरती। मुझे भी थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि सब काफी आगे निकल चुके हैं। तो गाइस गांव हम पहुंच ही चुके हैं, रास्ता हमने तय कर लिया है गांव तक का पैदल चढ़ते हुए। सामने है गांव।
नीरज 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 नी